चंद्रमोहन कुमार की बड़ी खबर, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 12 ठिकानों पर सीबीआई के छापे मारे गए हैं और ये छापे पटना, दिल्ली, रांची और गुड़गांव में मारे गए हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम पटना के आवास पर पहुंची है और साथ ही 12 ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है। सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां पर कागजात तलाशने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पटना, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और ये भी कहा जा रहा है कि पुरी में भी एक टीम पहुंची है, जहां पर होटल है वहां भी कुछ लोगों से कागजात तलाशने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई की टीम अब से देर पहले वहां पर पहुंची है और यह पूरा मामला जो है सरकारी होटल, जो रेलवे के होटल है, उसको प्राइवेट लोगों को दिया गया था और उसी से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सीबीआई अभी पहुंची है यहां पर पूछताछ के लिए। यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला 2006 से जुड़ा हुआ है और जैसे ही यह मामला सामने आया उसके बाद से यह सीबीआई की टीम पहुंची है और पूरे मामले की तलाशी कर रही है, पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। चंद्रमोहन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी हुई है और 12 ठिकाने बताया जा रहा है जहां पर सीबीआई ने ये छापेमारी है, और कौन कौन सी जगह है जहां पर सीबीआई ने आज छापा मारा? बिल्कुल, देखिए पटना के अलावा रांची में टीम पहुंची है, वहां पर एक बीएनआर होटल है वहां पर टीम पहुंची है, पुरी में टीम पहुंची है, उसके अलावा गुड़गांव और दिल्ली में टीम पहुंची है जहां पर तलाशी अभी चल रही है, और पटना में जो राबड़ी देवी का आवास है वहां भी टीम पहुंची हुई है और वहां पर भी कहा जा रहा है कि यहां पर भी राबड़ी देवी से पहले पूछताछ होगी और उसके बाद फिर तलाशी भी हो सकती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई हिस्सों में ये छापेमारी चल रही है, जिसमें 12 स्थानों पर अब तक सीबीआई की टीम पहुंचने की जानकारी मिली है। शुक्रिया चंद्रमोहन।